हमारी सरकार के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मार्च 17 से सितंबर 23 तक की अवधि में 190 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 5,591 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 16 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की। 1,478 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 69,332 तथा एनएसए में 887 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदेश के चिन्हित माफियाओं के 44 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 20 माफिया तथा उनके 38 सहअपराधी कुल 58 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा कराई गई। इनमें 2 को फांसी भी हुई। 68 कुख्यात माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों में अर्जित संपत्ति की 3,650 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से उन्हें अवमुक्त भी कराया गया। माफिया अपराधियों के अवैध संपत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर निर्मल वर्ग हेतु आवास भी बनाए जा रहे हैं। अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस बल की विधि सम्मत कठोर कार्रवाई, बृहत कार्य योजना एवं अथक परिश्रम को जाता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसा कोई संगठित अपराधी गिरोह नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर बालिकाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों, व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द और समरसता अक्षुण्य है।